Well, माय गॉड, क्या वर्लपूल बन रहा है वहां पे, खतरनाक। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के तो समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो हमारा जो कॉलेज है, कॉनेस्टोगा कॉलेज, वो हम लोग को स्टूडेंट्स को लेके जा रहा है नायग्रा या नियाग्रा, जो भी आप बोलना चाहते हो। मोस्ट ऑफ द फैक्ट्स आप सब जानते ही हैं। तो अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:15, मुझे वहाँ पहुँचना है 9 बजे तक। मतलब वहाँ नहीं पहुँचना है, कॉलेज पहुँचना है, कॉनेस्टोगा कॉलेज वाटरलू कैंपस, वहाँ से बस जाती है। तो मेरे सारे दोस्त निकल चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, तो अब बिना किसी देरी के निकलते हैं और वहां जाके अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, फिर चलेंगे नायग्रा। तो हम पहुंच चुके हैं वाटरलू कैंपस, अब यहाँ अंदर जाके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कुछ होएगा और हमारे यहाँ जाने का टाइम तो 10 बजे के आसपास है, अभी 9 बजे। यस, से हाय टू माय व्लॉग, दिस इज पेशेंस, दिस इज एवीए, हाय। सो रजिस्ट्रेशन कराना है अभी, तुम लोग करा लिया? चलो वो कर, टिकट देंगे और तुम्हारा बन कार्ड है ना, चल वो दिखा। ओके, तो गाइज ऐसा कुछ टिकट मिला हम लोग को, एडमिट 1 टिकट, और हम लोग को फ्री पास है विजर्ड्स ग्लो गोल्फ का, पता नहीं क्या है, जो भी है देखते हैं। और साथ में एक और ये मिला है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट का। तो 9:45 को बोर्डिंग स्टार्ट होगी पीछे के उस गेट से, तो 9:45 को वहाँ जाना है। बस आ चुकी है, उधर जाना है। हाँ वहाँ जाना है। हाय, लेक है ये, इतना बड़ा लेक ऑन्टारियो, ऐसा लग रहा है कि सी या ओशन है। गाइस 12:10 हो गया, अप्रॉक्स 2 घंटा लग गया हम लोग यहाँ आने में, और ये थी हमारी बस ग्रेट कनाडा, वापस बीसी में जाना है। ऐसा लगा है ऐशा अभी तक जितना देखी दूर से, है ना, नेक्स्ट लेवल सुंदर है। और गाइस बस ये इस बस के पीछे उस साइड यूएस है और यहाँ पे कनाडा है। और भाई क्या डेवलप करके रखे आजू बाजू का, पूरा जगह एकदम अच्छे से डेवलप्ड है। नाइस, मेसी बर्गर खाएगी? भाई ये जगह देखो, पूरा नायग्रा के आसपास ऐसा डेवलप करके रखे हुए हैं जोरदार, पूरा रेवेन्यू फॉल से ही आ रहा है इनको, पूरा आसपास घूमने गई है। और ये तो मैं बस एक इन 1/4 पार्ट दिखा रहा हूँ, बहुत बड़ा एरिया, पूरा जो हम लोग आए ना बस से बहुत ही बड़ा था। और अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं आगे, वो हमारी स्टाफ है कॉलेज की, वो हमको आगे से एक कुछ टिकट देंगी और उसके बाद वी आर फ्री टू रोम। बर्गर की खुशबू आ रही है मुझे तो बहुत जोर से। गाइस तो हम लोग को ऐसी कुछ टिकट दिए कॉलेज वाले, और इसमें कुछ कुछ ऑफर भी दिख रहा है वैसे तो, आई एम नॉट श्योर क्या चीज़ का है। हम लोग को मेन मिला है विजर्ड गोल्फ का, और वो यहाँ पे पीछे में ही था, ये है विजर्ड गोल्फ, हम लोग यहाँ बाद में आएंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग सोच रहे हैं जायंट व्हील करने का, बोट का पास कितने का वो भी हमको पता करना है, और साथ में एक चीज़ और था जो कि मैं भूल गया हूँ। अच्छा वाओ, पिछले बार हम लोग जाके वहाँ प्राइस पूछ सकते कितना है, 30 इधर टिम है यहाँ, हमारे कॉलेज वाले आधे से ज़्यादा लोग इधर उधर जा चुके हैं ऑलरेडी, हम लोग कुछ ही लोग हैं जो साथ में।
यहाँ से व्यू बहुत अच्छा होगा ऐसे स्काई व्यू से। इसका क्यों नहीं दिया? $30 है भाई। हाँ नहीं सेव ऑफर लिखा है ना, वो तो $15 है। पंद्रह हाँ चलो आए हैं तो यही सब करने तो आए। सो भाई ये व्हील का प्राइस है 15 और किड्स के लिए है वो 7। अभी हम लोग जाने का सोच रहे हैं, मतलब पहले सोचे थे यहाँ आसपास में घूमते हैं, लेकिन हम लोग जा रहे हैं डायरेक्ट फॉल देखने। तो जिस एरिया से आए थे वहीं से वापस अभी नीचे जाना है डाउनहिल। तो ये आसपास का एरिया कुछ ऐसा है, बहुत ही सुंदर सा। वो तो सामने US दिख रहा है। कितने लोगों का ड्रीम होता है US आना, हम लोग US के इतने पास है, हम लोग जा नहीं सकते। हम लोग को स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि बॉर्डर क्रॉस नहीं करना। और वो जो ब्रिज है उसका नाम है रेनबो ब्रिज, उससे भी US जाते हैं लोग, क्योंकि हमको वीज़ा नहीं है हमारे पास। हाँ हम लोग के पास वीज़ा नहीं, हम लोग जाएंगे तो फंस जाएंगे। क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं बमानी जी? कुछ मेरे को जाना है। कहाँ जाना है? चले जा, तैर के चले जा। हम जाएंगे अभी बोट में। तो भाई बहुत ही खतरनाक टूरिस्ट एरिया ये, तो भीड़ तो वैसा ही है। तो हम लोग फॉल्स के बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं। यार काश मेरा वो इंस्टा 360 कैमरा रहता, उससे कितना अच्छा लगता। वाह गाइस, तो वो जो ब्लू वाली बोट है वो US वाले लोग की है, और रेड वाली एक बोट है वो कनाडा वाले लोग की है, वो आगे है रेड वाली। तो कनाडा वाले लोग इधर से बैठते हैं यहाँ नीचे से, और US वाले लोग का उधर से, मतलब इतना पास है भाई। अब चलते हैं आगे। तो हम लोग जब से आए हैं, हम लोग ये जो एरिया में आए हैं इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहे। मेन वाटरफॉल उस साइड है, लेकिन फोटोग्राफी आप लोग तो जानते हैं, जब लड़कियां रहती है साथ में, तो लड़कियां साथ में रहती है तो बहुत टाइम लगता है। तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है हम लोग को यहाँ पे आए, लेकिन हम लोग सिर्फ यहीं पे अभी आगे नहीं बढ़ रहे। तो यहाँ पे कुछ है प्राइजेस, लेकिन हमको जो चाहिए, जिस चीज़ का प्राइस हमें चाहिए वो है आगे, मतलब वाइट टेबल के आगे। अभी इधर 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 वहाँ मिल रही टिकट, वहाँ मिल रही टिकट। बाप रे भीड़ देख रहे हो? हाँ हाँ लेंगे लेंगे। तो जो बोट राइड है उसके टिकट की किधर से है? वो है बोट टिकट आगे। हाँ सो बोट की टिकट वहाँ से लेनी है। और भाई भीड़ देख रहे हो कितनी भीड़ लगी हुई है, मिल भी पाएगी कि नहीं टिकट? ये टिकट की लाइन लगी है कि बोर्ड करने की लाइन लगी है? अच्छा टिकट की वो है। बाप रे बाप रे, हम लोग शायद ही कर पाएंगे लगता है। ये बोर्ड वाली लाइन है, अडल्ट 33.50। इधर भी तो यहाँ सेल्फ टिकट भी ले सकते हैं। हाँ तो सेल्फ के और से टिकट लेना है हमको। टाइम कितने का? टाइम 1:30 नहीं, 1:30 तो ऑलरेडी हो गया है। कितना का? 2:30 वाला ले।
कोई एक काम करना, मैं क्या बोल रही हूँ अपनी ले ही ले, हम देखो इंटरेक्ट कर देते अभी के अभी, सही रहेगा ना? एक ही मतलब है, हाँ ठीक है ठीक है। कितने लोग? चार। चार ले लो। हाँ 151.44 चार लोगों का। यूएसडी नहीं, हाँ सीएडी है सर। गाइस तो हम लोग ने टिकट्स ले ली है, और टिकट का ऐसा कोई सीन नहीं है कि जो टाइम पे लोग उसी पे राइड कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कभी भी राइड कर सकते हो। तो हम लोग अब एक घंटे बाद जाएंगे जब थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी तो। और ये जिप लाइन वाला एरिया भाई, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ये हमारा बोट वाला एरिया, पता नहीं कब नीचे पहुँचेंगे हम। मुझे मेन तो उधर जाना है, पर ये लाइन देखो भाई, बोट का लाइन देखो भाई, इतना ज़्यादा है। अरे तो घूमते घूमते हम लोग को लग गई सुसु, और उस वॉशरूम यहाँ था, हम लोग कहाँ वहाँ आगे तक चले गए। ये है वॉशरूम, ये तो अभी ये वॉशरूम जाएंगे, फिर वापस आएंगे, थोड़ा फॉल देखेंगे, उसके बाद हम लोग को लाइन में खड़े होना है बोट राइड के लिए। उसका भी टाइम, मतलब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, उसके लिए कभी भी जा सकते हैं, पर हमको टाइम लिमिट देते हैं। हाँ हमको टाइम में जाना है, क्योंकि हमको वापस बस पिक करेगी 6 बजे, तो 6 से पहले हमको वापस यहाँ आना है। तो गाइस हम लोग वॉशरूम यूज़ करके तो आ गए, अब हम लोग जा रहे हैं अपने बोट राइड के लिए लाइन पे लगने। पता नहीं कितना लंबा लाइन है। तो यहाँ देखो नायगरा, क्या बोली बम्बानी, इतना अच्छा आ रहा है आज, मॉडलिंग कर रही है बम्बानी, फुल तैयार वैयार हो क्या आई है। मुझे इसे हाथ करना है। तो गाइस बोट वाली लाइन यहाँ से चालू हो गई है, जो कि काफी लंबी है। तो अनुपा जा रही है आगे, देखते हैं कि हम लोग इंडियन स्टाइल से चुपचाप से घुस सकते हैं। ओके ब्रो, या गाइस हमको लाइन से हटा के बोले कि कोई स्ट्रीट लाइन वाला कुछ है वहाँ से, अभी कोई लाइन नहीं लगी वहाँ पे, हमको ढूंढना है कहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे, देखते हैं। पता नहीं, एक्सक्यूज मी। फिर गाइस हम लोग लाइन तोड़ के थोड़ा इंडियन पंती करते हुए आगे आ चुके हैं। हैक लाइफ हैक। जब भी आपको बड़ा लाइन दिखे तो थोड़ा आगे आ जाना, किसी लेडी से बात करना, और आगे पहला प्लान हैक करके आ गए हैं आगे। उसके बाद बहुत लंबी लाइन है भाई, 3-4 लेयर, फिर वो है। वी आर गेटिंग क्लोजर गाइस, ये हमारे कनाडा वाली बोट, यूएस वाली बोट अब यहाँ से दिख नहीं रही अभी फिलहाल तो। कितना नीचे जाना है गाइस, मुझे इंडिया के चित्रकूट वाटरफॉल की याद आ गई। वहाँ पे सीढ़ी एकदम ऐसे स्टीप नीचे था, ऐसा कोई वो भी नहीं था, यहाँ व्हीलचेयर वगैरह सब जा सकता है। इंडिया में व्हीलचेयर वाला प्रॉब्लम था, मेरे पापा नहीं जा पाए थे, इसीलिए यहाँ पे देखो बढ़िया ऐसा पाथ बना है पूरा बोट तक, वो है बोट वाला एरिया। तो ऐसा डेवलप करना चाहिए इंडिया में भी, तो अच्छा हो गया ना। डू नॉट लीव योर बैगेज, मेरा डायलॉग ठीक है बेटा। तो गाइस हम यहाँ पहुँच चुके हैं, अब यहाँ पे एलिवेटर लेना है शायद हमको, पता नहीं। हाँ एलिवेटर लेने, लिफ्ट से नीचे आ गया हम लोग, फिर से एक बड़ी लाइन में लगना है, जो कि ये भी काफ़ी लंबी है, पता नहीं क्या हो रहा है। ये शायद रिटर्न होने वाली लाइन है क्या? नहीं शायद रिटर्न होने वाली लाइन है, इधर कूद के वापस चले तो भाई लाइन में नहीं लगना है, यहीं से बोट पे बैठते हैं। अब ये रिटर्न वाली लाइन है। आगे जाने के लिए तुम लोग मेरे इधर से जाओ, फिर हम अरे पीछे ही चलो, कोई दिक्कत नहीं है।
टिकट किसके पास है? हाँ तो रुकना फिर। वैसे हम लोग का यहाँ फोटो होना है, उसके बाद जाएंगे। तो ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है, वो एकदम अच्छी से जाएंगे ना। गाइस तो हम चेक करा के आ चुके हैं। इज इट द सेम? सो रेन कवर मिल चुका है हमको रेड कलर का। ओ लाल छड़ी मैं दान खड़ी। वाह गाइस तो हम लोग अब बन गए हैं जादू। जादू बन गए दिखा। हाँ मैं भी बन गई जादू। डूब चाहिए तुमको? डूब धूप बहुत धूप है, धूप नहीं चाहिए। जादू की भी पड़ गई। जादू वर्जन 2, डोंट नीड 2। भाई ये होता है तरीका पैसा बनाने का, देख रहे हो? क्रूज चला रहे हैं और इतने लोग हैं। एक जन का $37 एक जन का। यहाँ कितने लोग हैं देखो, हमारे वाले के लिए भी कितना टाइम है, कितने लोग हैं अभी वेटिंग में भी, पता नहीं कितने लोग हैं। बहुत ही भयानक भीड़। सो हम लोग आ गए क्रूज। हाँ जा सकते, चल। सब ऊपर ही भाग रहे हैं। सुनना मैं तो बोलता हूँ नीचे रहते, नीचे बेटर रहेगा। ऊपर भीड़ इतना हो जाएगा कि मजा नहीं आएगी। ऑलरेडी पूरा जगह ले लिए लोग। नहीं आ जा जल्दी आ। तो हम बोट के पीछे आके खड़े हैं क्योंकि आगे हमको जगह नहीं मिला, लेकिन यहाँ से भी अच्छा है। तो गाइस हम निकल चुके हैं आगे, वो रहा कनाडा और ये US। और भाई मेरे को बहुत टेंशन लग रहा है फोन गिर ना जाए इतने, जो मुझे भी मत देना ना, मैं भी फोन हाथ में पकड़ाऊँ। भाई फोन हाथ में पकड़ने में टेंशन इतना लग रहा है, कोई धक्का वगैरह लगा तो फोन सीधा जाएगा नीचे, खत्म कहानी। तो कुछ अनाउंसमेंट भी चल रहा है लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। और ये रहा अपने को अभी फॉल्स का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा पीछे खड़े होने के कारण। मस्त मिस्ट आ रहा है मिस्ट के कारण। भाई अब थोड़े देर में जब मेन में पहुंचेंगे, ये US साइड वाला है मेन, हॉर्स शू वाला भी हमें जा रहे हैं वो आगे उस साइड, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट उड़ रहा है। यहाँ पे भी आ रहा है लेकिन थोड़ा कम, लेकिन एक्सपीरियंस है बहुत ही अच्छा। गाइस तो मेन वाटरफॉल के पास हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं और क्या ज़ोरदार मिस्ट है आगे। देखो ऐसा लग रहा है स्मोक निकल रहा है ना, स्मोक जैसा लग रहा है एकदम। भाई कितना मैसिव है वो, वहाँ लोग खड़े कितने छोटे दिख रहे हैं। मुड़ता है, मुड़ता है, आगे जाके मुड़ता है। वाव भाई ओहो सामने खड़े होने से थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है, पीछे थोड़ा अलग। देख अब घूम रही है ना बोट। भाई अब मजा आ रहा है। पूरा गीला हो रहा है। वाह
क्या पानी आ रहा है भाई, खतरनाक। Oh my God! हम लोग मिस के अंदर आ गए अब। यार वो मुझे ऐसे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या? कैमरे में पानी लग चुका है मेरे तो। ओ ये वर्लपूल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओ मैन भाई क्या पानी आ रहा है। दिखा मुंह, दिखा तेरा भाई आगे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बाप रे ये नमकीन पानी कहाँ जा रहे थे। भाई दूर से ये एरिया दिख ही नहीं रहा था क्योंकि मिस्ट था। हम लोग मिस्ट के अंदर आ चुके हैं अब तो, हमको तो क्लियर ही दिख रहा है, बाहर से लोगों को नहीं दिख रहा होगा। अब पता नहीं वीडियो में भी कितना दिख रहा होगा, पूरा धुंधला धुंधला हो गया इस साइड। और वहाँ तो देखो आगे फॉल दिख ही नहीं रहा है। ओहो सुपर माय गॉड क्या वर्लपूल बन रहा है वहां पे, खतरनाक। वाह भाई फोन अंदर रख देते, इससे पहले ही मेरा फोन गिर जाए यहाँ। तो हमारी बोट राइड ऑलमोस्ट खत्म हो गई, हम लोग वापस आ रहे। कैसा लगा एक्सपीरियंस? मैजिकल, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और बहुत ही मजेदार। और कोशिश करना कि सामने का मिल जाए, लेकिन पीछे भी अच्छा था, ऐसा बुरा नहीं था। अब वापस हम लोग पहुँच रहे हैं वहाँ, वहाँ दूसरी बोट रेडी है, अब वो जाएगी और हम लोग वहाँ पे बाहर, मतलब $30 ठीक था, $30 37 के हिसाब से ठीक था, बहुत अच्छा मजा आया। यस चलो हम लोग निकलते हैं बाहर, ये रेनकोट ये जो है प्लास्टिक वाला ये सब उतारते हैं, इसके साथ फोटो लेना पड़ेगा एक, उसके बाद फेंक देंगे इसको। तो शिप से उतर गए, अब हम लोग इससे जाने वाले हैं ऊपर। पिक्चर्स का अलग, अरे पिक्चर्स का अलग है, वो पिक्चर्स का अलग बात कर रहा है। हाँ हाँ तो इसको बोलते हैं फैनिकुलर। ये बंद हो गया, हमारा किस्मत इतना खराब है, इतना वेट करने के बाद बिगड़ गया, एलिवेटर में जा रहे। अब यहाँ भी लाइन में वेट करना पड़ेगा, अब चलो जल्दी। गाइस तो हम बाहर निकल गए, अब मेरे को सोवेनियर लेना है तो आगे वहाँ शॉप है, यहाँ नीचे भी थी बट वहाँ प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे। फ्रिज मैग्नेट भाई $11 का दिखा रहा था विदाउट टैक्स, फिर टैक्स क्या पास से निकली।
फिर टैक्स लग के और बढ़ जाता है उसका रेट, तो अभी हम लोग आगे जाके देखते हैं। हम पहुंच चुके हैं वापस और ये जाना है हमें इधर सुवेनियर शॉप। मुझे बंबानी दिला रही है फ्रिज मैग्नेट। हाँ, है ना, है ना, हाँ। सिर्फ वीडियो में हाँ हमको दिलाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, मैं पूरा नहीं 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 पूरा पेमेंट तक आप लोग को दिखाऊंगा मैं। इतना नहीं कर सकती भाई। तो फ्रिज मैग्नेट है, ये मेरे को ठीक लगा, लेकिन वहाँ मेन वहाँ पे अच्छा था, तो वहीं से लेते हैं। $10 का था बस। ये कितने का है? 6। तुम्हें नहीं अच्छा लगा? नहीं, उधर का वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, है ना? अच्छा नहीं है, रख दो। हाँ, यहीं चिपका दे, देखते हैं वापस जाते जाते ले लूँगा। तो यार यहाँ तो फ्रिज मैग्नेट नहीं मिला, अब हम लोग सोच रहे हैं कि पता नहीं कहाँ जाए। मैं वापस जाते जाते जो देखा था ना अच्छा महंगा वाला, मैं वही ले लूँगा। गाइस तो जावेद गया है जाइंट व्हील पे, एशा और हमारी एक नई फ्रेंड है, हम लोग जा रहे हैं गोल्फ खेलने। यहाँ बैठ जाते हैं, मजा आएगी, निकल जाएंगे बाहर, नहीं मजा आएगी, चलो प्लीज। अरे यार मैं बिल्कुल इच्छा नहीं हो रहा, चलना पड़ेगा। गाइस हम लोग आ गए गोल्फ खेलने, जो कॉलेज वाले हमको फ्री में कराने के लिए लाए हैं। ओह, सबको ब्लैक मिला, तीनों को क्या ब्लैक मिला? अच्छा, भाई कितना दिमाग सही चलता है अपना, देख यार कहाँ, यहीं तो जाना है नीचे, यहाँ है ना? नहीं वो तो एंड है, ये ना होल नंबर वन। अपने शूज देखो गाइस, अच्छा तुम्हारे शूज नहीं हो रहे, मेरे हो रहे हैं। यस, ये देख, ये आवाज अच्छा नहीं है, बाकी सहारा तो ठीक है। आओ, आओ। ऐसे लेते मुझे। तेरा कपड़ा ही दिख रहा है। ये है भूत। मुझे भेजना। ओके, गाइस तो हम खेल रहे हैं गोल्फ। नहीं आप उसको होल पे डालने का कोशिश कर। नियॉन लाइट में तो सर दर्द दे दिया, हम बाहर आ गए। एग्जिट वो तो होल 18 है क्या? सॉरी। तो जावेद आ चुका है जाइंट व्हील करके, अब हम लोग जाने वाले हैं कुछ खाने का ढूंढने के लिए, पता नहीं किधर। हाँ इधर 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 एक बर्गर किंग दिख रहा है, यहाँ स्टारबक्स दिख रहा है। तो पता तो, हाँ ये बात भी है, बोलो नहीं तो वो क्या डिस्टिलरी एंड बारबेक्यू दिख रहा है, एक रूबीज ट्यूसडे पता नहीं। गाइस तुम लोग को वापस आने का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, हमको कुछ खाना है पहले, फिर मुझे जाके लेना है एक सोवेनियर, और मिस्ट वाले एरिया तो हम लोग अभी तक गए नहीं है, वहाँ भी जाना है। तो गाइस मैंने ये लिया एक फ्रिज मैग्नेट, और भाई देखो मेरे को इतना मस्त चीज़ दिखा वहाँ पर, लेकिन अब अपने पास इतना टाइम नहीं कि हम लोग ऐसा कुछ कर पाए, वापस खाने के लिए भी नहीं मिला, तो अब हम लोग जा रहे हैं टिम। इतना ऑप्शन है यहाँ आजू बाजू खाने का, लेकिन टाइम नहीं है, तो हम लोग टिम आ गए, यहीं ऑर्डर करेंगे, जल्दी से लेंगे। और फॉल का एक पार्ट है श्रू हॉर्स वाला, ऊपर से भी देख सकते हैं, वो देखना रह गया हम लोग को, वही देखने जाएंगे इसके बाद, बस यहाँ से ले लें जल्दी से। 3 साल वेट करने के बाद हम लोग को मिल चुका है हमारा हबेनारो रैप, अब हम लोग वापस जा रहे हैं वहाँ जहाँ हम लोग एक जगह जो बच गया है फॉल का देखने का, वो देखेंगे, और टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट, अब बस में जाना है। भाई ये स्ट्रीट आर्टिस्ट है, कितना अच्छा बनाया देखो। ओ भाई चलते चलते पैर दर्द दे दिया, ज़्यादा टाइम बचा नहीं हम लोग के पास, और अभी भी हम लोग काफ़ी दूर है मेन झरने के पास पहुंचने से।
अब आए हैं तो पूरा एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं, करके जा रहे हैं हम लोग। तो ये है, इसी के पास हमारी बस आएगी, तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं मेन। ओह माय गॉड, वाओ, सी द फुल रेनबो, वाओ। तो टाइम हो गया हमारा अब जाने का, बस हमको बोली थी 6 बजे से पहले पहुंच जाना, एग्जैक्ट 6 होने वाला है, अब हम लोग पहुंचने वाले हैं। वैसे तो पास में ही है, प्यास लग रही है बहुत ज़ोर से, बहुत ज़्यादा ज़ोर से। स्मार्ट वाटर करके कुछ है यहाँ पे, ये देख लिखा हुआ है, बहुत ही सुंदर है यार ये जगह। एक बार जब यहाँ तक आ ही गए, वो अपनी बस कहाँ है यार, नहीं दिख रही मुझे तो। भाई ये देखो, ओहो हो, खतरनाक, इतना पावरफुल दिख रहा है ये। चल एग्जैक्टली 559 की है हमारी बस, हमारे ड्राइवर के अभी ना चुके हैं, प्यास लग गई। लेट्स गो सेट, चलो भाई ट्रिप ख़त्म, निकल रहे हैं बस, बस चालू हो गई 2 घंटे बाद घर। तो वापस आ चुके हैं हम लोग कॉलेज, और अब इस व्लॉग में और कुछ भी नहीं, हम सीधा अब जाएंगे घर और रेस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।